दोस्तों बीएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। आज हम आपको मिलवाएंगे हरियाणवी गर्ल रेनु सरन से, जो मुंबई में एक अदाकारा है, एक कलाकार है और साथ में अपना एक क्लिनिक भी चलाती है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, इस मौके पर हमने बात की रेनु से। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर रेनु सारन है, मैं हरियाणा से हूँ और अभी 8-9 साल से मुंबई में हूँ। रेनु, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है उसमें आप पहुँचे हैं रानी के साथ में, क्या कहना चाहोगे? देखिए, रानी बहुत ब्रेव गर्ल है और राजस्थान में उसने उसका इतना नाम है, इतनी मेहनत की है और अभी वो मुंबई में आई और मुंबई में भी मैं चाहती हूँ कि मेरी बेस्ट विशेज उसके साथ है कि वो बहुत अच्छा काम करे, बड़े पर्दे पर काम करे। आपके प्रोफाइल की बात करें, क्या कहना चाहेंगे रेनु, किस तरह का प्रोफाइल आपका? देखिए, मैं मुंबई आई थी एक्टिंग के लिए। कितने दिन पहले? आज से लगा लो आप 2017 में। अच्छा, 5 साल, 5-6 साल पहले। हाँ, 5-6 साल हो गए, मतलब उससे पहले था। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा में रोहतक से। रोहतक से, जी। तो बहुत स्मॉल टाउन, फिर वहाँ से यहाँ तक आने का सफ़र थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरा ड्रीम था तो मैंने पूरा किया। मैं आई यहाँ पे और मैंने स्टार्ट भी किया सब एक्टिंग फील्ड में। मैंने अपनी एक मूवी की 2019 में कन्या के नाम से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो पूरा हरियाणा कल्चर हमारा उसमें दिखाया गया है। और सेकंड मैंने एक मूवी और भी की, कॉमेडी मूवी। तो उसके बाद मैंने कुछ एल्बम सॉन्ग किए, फिर आपको पता है कोविड आ गया बीच में। और वैसे मेरा इधर कॉस्मेटिक क्लिनिक भी मुंबई में, तो थोड़ा मेरा स्कारलेट के नाम से। कहाँ पर है? मेरा लोखंड वाला मार्केट में है, कांदिवली वेस्ट महावीर नगर में भी है, 2 ब्रांच है। देखो, मुंबई में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक्स का आपने मतलब इस फील्ड में आए आप। जी जी। तो क्या एक्टिंग चालू है आपकी? एक्टिंग चालू है, अभी फिर से स्टार्ट किया है। आईफा अवार्ड्स फंक्शन में मैं गई, अभी दिल्ली में मेरा टाइकून अवार्ड्स था, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं मतलब पाइपलाइन में जो करने वाली हूँ। ये राह कितनी मुश्किल है, और हरियाणा की लड़कियों के लिए खासकर? देखिए, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लोग उतना ओपनली सब चीज़ें नहीं कर सकते, बट ठीक है, अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो कर लेते हैं। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मैं यहाँ तक पहुँची और मैंने भी स्ट्रगल किया। वो स्ट्रगल के बीच का एक अलग मज़ा था, जो अभी कुछ अचीवमेंट के बाद और भी अच्छा लगता है। अरे नहीं, हम आपका ये जो इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ ऐसा इंटरव्यू है, कौन से स्ट्रगल के दिन थे जो आपको सबसे ज़्यादा चुभने वाले थे? क्योंकि हम महेश भट्ट फैमिली से नहीं है, खान फैमिली से नहीं है जी, एक किसान फैमिली से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हाँ, देखिए, जब मैं इस फिल्म में आई ना, तो मेरे कजन्स, मेरे भाई और सब ने बात करना बंद कर दिया, टॉन्टिंग करना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या है, ये तुम सोशल मीडिया पे डालती हो, ये सब कुछ हमारे इधर कल्चर में नहीं है। तो लाइक वो सब चीज़ें मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट थी कि जब फैमिली आपको जब टॉन्टिंग करती है तो वो आपको बहुत बुरा लगता है। तो आपको ये लगा कि मुंबई से भाग जाना चाहिए वापस? नहीं नहीं, मेरे को कभी नहीं लगा। मेरा मतलब कि फाइनली ये है कि मैं मुंबई में ही रहूँगी, कभी जाऊँगी नहीं, कभी ऐसा लगा नहीं। बस मुझे ऐसा लगता था कि कुछ टाइम के बाद मैं अपने घर वालों को मना लूँगी और सब मान भी गए, सब खुश हैं। सबसे ज़्यादा अगर हेल्प की तो किसने की आपकी? सबसे ज़्यादा जो मेरे को मोटिवेशन दिया वो मेरी मम्मी। मुंबई में बाकी किसी ने? मुंबई में भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड रही है 2-3, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत पैम्पर किया और एक मोटिवेशनल जो चीज़ें होती है ना कि हाँ नहीं नहीं तू कर सकती है, तेरे अंदर वो चीज़ें तू कर सकती है। लेकिन हरियाणा के काफ़ी सारे लोग हैं, कोई भी सामने नहीं आया आपके कि भाई इस लड़की को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए? देखिए, अभी तक तो मैं ऐसे किसी बंदे से नहीं मिली हूँ। और हाँ, एक बार मैं रणदीप हुड्डा जी से मिली थी, तो वो सेम मेरे होम टाउन से ही है। लेकिन भाव नहीं दिया उसने? नहीं, मेरे से उन्होंने स्पेशली आधा घंटा बैठ के बात करी, अविनाश 2 का शूट चल रहा था, स्पेशली टाइम दिया और उन्होंने मुझसे पूछा कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, हरियाणा की लड़की यार, तू की लड़की कभी इस लाइन में आती है क्या? तो मुझे वो बात बड़ी फनी भी लगी, मुझे ऐसा लगा खुद उसी चेयर पे बैठे और मुझे ऐसा बोल रहे हैं। काफी सारे बहुत सीनियर है और बहुत अच्छे एक्टर। देखो, रेनु हरियाणा की, कई हरिंदर भी है, हरिंदर मलिक शायद जानते होंगे, काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स हैं। हाँ हाँ। क्या आपने सोचा कि अपने हरियाणा के लिए कुछ किया जाए? फिल्में बहुत कम आती है, लिमिटेड। जी जी। कभी आपने सोचा? देखिए, सोचा है बिल्कुल, लेकिन हरियाणा में फिल्में कम आ रही हैं, लेकिन आज जो हरियाणा के सॉन्ग हैं वो पूरे वर्ल्ड पे धूम मचा रहे हैं और आगे चल के मुझे ऐसा लगता है हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर ही रही है और भी करेगी और हम लोग
बड़े पर्दे पे भी धूम मचाएंगे। नया कुछ भी नहीं है, वो पुराने गाने हैं, जेठ मेरा दस पड़ रहा है, उसी गाने को रिमिक्स करके बनाया जाता है। देखिए अभी देखिए सपना चौधरी जी हैं और सिंगर है अनु कादयान है, फिर अपना बहुत सारी जो भी न्यू एक्ट्रेस है तो उनके काफ़ी अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं, उसमें फोक डांस भी है, उसमें अलग अलग पंजाबी बीट्स भी है, मिक्स में भी तो हरियाणा के बहुत अच्छे आ रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अपना आइडल किसको मानते हैं जो गाने सुन सुन के आप पहुँचे? देखिए आइडल में तो अभी किसी एक का नाम नहीं ले सकती, बहुत अच्छे ही हैं सब सिंगर, बहुत अच्छे हैं हरियाणा के। जैसे मेरी मूवी में अपना केडी है, केडी ने सॉन्ग गाया था, बहुत अच्छा है वो, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, केडी का रैप बहुत अच्छा है। अनु कादयान सिंगर है जो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड भी है, बेस्टीज़ हैं हम लोग, और वो हरियाणा की फर्स्ट उस टाइम पे पहली सिंगर हुई थी, आज भी उसका नाम है, बिलियंस पे उसके सॉन्ग्स जाते हैं। और कुछ कहना चाहोगे आप, क्या बनना चाहते हैं, मतलब क्या ड्रीम है आपका? मुंबई एक माया नगरी है, हर कोई अपना सपना लेके आता है, तो क्या है आपको अभी तक मिला नहीं जो आपको चाहिए? देखिए मुझे भी एक बड़े पर्दे पे काम करना है, सेम हरियाणा में मैंने कर लिया है, मैंने कुछ एल्बम्स कर लिए हैं, फीचर फिल्म कर ली है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा कुछ चटपटा मिक्स, कुछ रिमिक्स ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए अभी मेरी दौड़ चली रही है, स्ट्रगल चल रहा है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। वेलकम, थैंक यू सो मच।